अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मैं हूँ रुबाब हसन आपके साथ और आज हम आ गए हैं मरहबा मॉल, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों की फरमाइश थी तो सुमैया का रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा आया अब तो हमने कहा चलो बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी जाए। सुमैया की ज़िद थी यहाँ पर जाकर इसे जो है प्ले लैंड में जाना था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर चलते हैं। तो हम थोड़ा 5 बजे के बाद आ गए थे क्योंकि शाम का व्यू थोड़ा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह मोहम्मद ईसा तो सबसे ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पर जो है मौसा सुमैया अंदर चले गए थे। यहाँ का टिकट जो है था 250 का, अगर आप सॉक्स अपने लेकर जाते हैं तो। अगर आप सॉक्स घर से नहीं लेकर जाते तो आपको 40 रुपीज़ के सॉक्स भी लेने पड़ेंगे, तो टोटल आपके बनते हैं एक बच्चे के 290। लेकिन हम सॉक्स लेकर गए थे तीनों बच्चे के, तो फिर जो है हमें 250 का एक बच्चे का टिकट मिला था। तो मेरी ज़िद थी कि ईसा को भी अंदर छोड़ना है, लेकिन टिकट वाले भैया जो है ज़िद पर अड़े हुए थे कि इसका भी आपने टिकट लेना है। हमने कहा ये तो छोटा है, पता नहीं अंदर इंजॉय कर पाए ना कर पाए। तो उसने कहा नहीं आपने लेना होगा, अगर इंजॉय नहीं कर पाया तो हमें इसके टिकट के पैसे वापस दे दूँगा। तो फिर मैंने जो है कहा अच्छा चलें ठीक है, ईसा भी अंदर जाना चाह रहा है अपने बहन भाइयों के पास, तो मैंने इसका भी टिकट ले लिया था और इसको भी अंदर में साथ ले गई थी। मोहम्मद ईसा जो है आप सबको पता है जैसे कि छोटा है, तो इसके साथ मुझे भी अलाउ कर दिया था अंदर जाना। लेकिन सुमैया जो है माशाल्लाह इसकी समझ लें सेकंड मदर है। अगर आपकी पहली औलाद बेटी है ना तो समझ लें कि छोटे बहन भाइयों को जो है दूसरी माँ मिल जाती है, ये बात हकीकत है। तो सुमैया यहाँ पर इसका फुल ध्यान रख रही थी और मैं बैठ गई थी। मैं कहा चलो ठीक है, मैं इससे इतना कह रही थी सुमैया आप अपना इंजॉय करो और ईसा को मैं देख लूँगी, लेकिन नहीं, बस ईसू यहाँ पर लेकर जा रही है, कभी यहाँ पर लेकर जा रही है, बहुत ख्याल करती है माशाल्लाह मोहम्मद ईसा का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 250 में आपको यहाँ की टाइमिंग मिलती है कितनी देर बच्चे अंदर खेल सकते हैं। 45 मिनट्स जो है बच्चे अंदर आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी देर तक ये अपना इंजॉयमेंट जो है करते रहे। लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग जो है फिर टाइम से पहले ही निकल गए और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि दिन का खाना नहीं खाया था, हमने कहा था कि बाहर ही खाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इनके एसी चल ही नहीं रहे थे, तो खाना हमने यहाँ पर नहीं खाया। हमने कहा आगे किसी करीबी रेस्टोरेंट में खाते हैं, गर्मी से बहुत बुरा हाल था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर करीब ही आके पराठा एंड क्रैक रेस्टोरेंट है, तो हमने कहा चलो वहाँ बैठकर खाएंगे और वहाँ पर बहुत सुकून ठंडा माहौल होता है, एसी चल रहा होता है, तो वहाँ पर ही बैठकर डिनर करेंगे। तो उसका जो है व्लॉग आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में देख सकेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।